तो वीडियो हमारा स्टार्ट हो गया है और इनको जेल में डाला गया है। याददाश्त कमजोर है तो गले में आई कार्ड लगाकर घुमाकर तुम क्यों पकड़े गए? नकली पासपोर्ट बनाने के चक्कर में। तो इसमें गलत क्या है? ये तो कला है, कलाकार को इसमें गलत क्या बताओ? इसे मैं तो बस एक माँ की इच्छा पकड़ेंगे नहीं। माँ की इच्छा? माँ की इच्छा? और क्या इच्छा थी? बेटा बाहर मत जाओ वरना गब्बर पकड़ लेगा। बच्चे ने बात नहीं मानी और बाहर चला गया। अच्छा, अगर उस वक्त गब्बर अच्छा होता तो बच्चा माँ और इसमें किडनैप कर लिया। मौका देख के मैंने बच्चे को उठा लिया, लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। उसकी माँ ने ही मुझे पकड़वाया। मतलब बच्चे को किडनैप कर लिया, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ तो सही कर रही है, गुस्सा निकाल रहा है प्लेट को तोड़ के। अबे यूं प्लेट घिसने से दीवार में छेद नहीं होगा। तेज कर लिया, जेल में शिफ्ट कर देंगे, वहां जाकर कैदियों के झूठे बर्तन घिसना, समझा? इंस्पेक्टर आप क्या है? मुझे प्लेन पेपर और एक दर्जन पेन चाहिए। किस लिए? आत्मकथा लिखने के लिए। किसकी बे? अरे मतलब जेल में छेद करके भागने के चक्कर में था। वही पढ़े लिखे थे क्या? मैं नहीं हूँ। एक दर्जन पेन क्या करेगा? पीएचडी किया है, मैं अपनी कहानी लिखूंगा। चलो सामान भिजवाओ। हवलदार, ये कालिदास की औलाद के लिए पेन और पेपर लेकर आ, ये महाचोर अपनी आत्मकथा लिखेंगे। आत्मकथा लिखेगा गांधी जी की तरह। हाँ भिजवाओ भिजवाओ भिजवाओ। चलो देखते कैसा आत्मकथा लिखाता है। एक कप चाय चाहिए सर। और सही में पेन और कॉपी आ गया है। मैं यहाँ का दामाद हूँ सर। जेल को ससुराल कहते हैं ना हवलदार। अरे तो कुछ और कर रहा है। राउंड अप करके आते हैं। रिफिल को आप चलिए सर, पीछे पीछे। अच्छा रास्ता साफ है, निकल लेते हैं। सही है, लेकिन ताला खोल लिया। मतलब पेन जो मंगवाया था वो उसको ये करने के लिए मंगवाया था, मेरा चाहने वाला, ताकि उल्लू बना सके। रजनीकांत की फिल्में बहुत देखता है। ये लो पकड़ो, शाम को इसे मुझे फोन करना, मेरा फोन नंबर इसमें है। तुझे पूरा यकीन है ना कि वो उसी फोन से बात करेगा? होकर कैसे? वो उसी फोन करेगा। अगर कहीं और से फोन किया तो बिट्टू को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। बेवकूफ है, एक नंबर का। रवि सिंधा बच गया, उसको मारे बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अच्छा ये पुलिस का एजेंट लग रहा है। तो नहीं पहुंच पाएगा वो अपनी जिंदगी से तंग आकर खुद ही। पुलिस का एजेंट लग रहा है मेरे को। मैंने तुझे आदमी दिए, फिर वैन दी, फिर क्रेन दी। अच्छा ये अल्लू अर्जुन की मूवी है। तुझे नकली फैमिली तक बनाकर दी और फिर पासपोर्ट के लिए लाखों खर्च किए, वो सब अलग। इस राज को छुपाने के लिए सत्तार की फैमिली को हर्जाना दिया, तब जाके इस बवाल से मेरी गर्दन छूटी और तुझसे एयरपोर्ट जाकर एक फ्लाइट नहीं पकड़ी गई। मैं तुझ पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर चुका हूँ। ये लो, ये मेरे लिए फिजूल खर्ची और तेरे लिए बोनस। ये लो, ये मूवी तो लगता है देखना पड़ेगा। मतलब एक्शन के साथ कॉमेडी भी है और किसी काम की नहीं है। अगर मैंने रवि को लगाया होता तो वो 15 मिनट में बैंक लूट के यहाँ बैठा होता। एक 25 साल के छोकरे ने तुझे छठी का दूध याद दिला दिया है। साले तू तो जाके उसके तलवे चाट, बेशर्मों की तरह बैठा है। बेइज्जती हो रहा है। जब किसी पत्नी के सामने पराए मर्द की तारीफ करो तब उसके पति को कैसा लगता होगा? इसके सामने तूने रवि की तारीफ की, मुझे भी वैसा ही लगा। मैं हाँ जानते हो मैंने क्या कहा कि तुझे मार दूंगा। बेइज्जती कर रहा है, पता है? सुन नहीं सकती, सॉरी बोल। मांग मार दिया चाकू। सोनू सूद है ना, सॉरी बोलूंगा तो वो सुनेगी कैसे? मुझे मुझे बचा ले, बचा ले। दिल टूटा है मेरा, तुझे बचा के मुझे क्या मिलेगा? पैसा। हाँ? हाँ? पूरे 1500 करोड़ वो मैं तुझे दे दूंगा। मुझे बचा ले। वो जो चुराए थे? हाँ। बोल सॉरी। अच्छा सुन नहीं सकती है। वो पैसा तो चल गया था ना? सही बोल रहा है, माफी मांगे तो बोले। चला, पैसा पहले ही हटा दिया गया था। बताओ कहां से मिलेगा पैसा? पैसा कहां छुपा है? कहां है? 1500 करोड़, बाप रे।
कैसे सलामत है? मर चुका है पूछ रहा लड़की से। लड़की गूंगी भी और बहरी भी है। फोन करना है। कर रहा। अच्छा मार दिया। वो शायद मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता इसलिए ट्रांसमीटर लगा दिया। ये तो मर गया, एमएलए था ना, मर गया। सर मैं ट्रैवल मूर्ति, बेल नहीं मिली। मर गया, बोला ना मर गया। यहाँ बहुत गड़बड़ है, बिट्टू को बाहर भेजना बहुत मुश्किल है। पहले तो ये जान लो कि तुम। तो गाइस इस मूवी के पार्ट में बस इतना ही रहने देते हैं एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका पार्ट 2 कंप्लीट करें। वो तो मिलते हैं पार्ट 2 में। अरे कितनी मुश्किल से तो मैं लॉकअप से